सब गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रिकी ठाकुर। चलिए बात कर लेते हैं बिग बॉस के कल के एपिसोड की। कल के एपिसोड में एजाज खान निकी तंबोली पे बिल्कुल भी भरोसा करते हुए नहीं पाएगी। साथ ही बात करेंगे नॉमिनेशन टास्क की। नॉमिनेशन टास्क में ऐसा क्या हुआ, बिग बॉस ने कर दिया पूरे घर को नॉमिनेट। और साथ ही बात करेंगे विकास गुप्ता और अर्शी खान के नए प्लान की। क्या है उनका नया प्लान, क्यों झगड़ रहे हैं वो दोबारा से फुटेज पाने के लिए। और बात करेंगे सोनाली की। सोनाली घर में बहुत ज्यादा वीक पड़ चुकी हैं और देखने में आ रहा है कि उनको अब 5-6-7 दिन हो गए हैं, अभी भी उनका एक नया रूप देखने को नहीं मिला है। तो क्या वो इस हफ्ते घर से बेघर हो सकती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजाज खान की। एजाज खान को हमने अली के साथ बात करते हुए देखा कि अली जो अपना एक ग्रुप बनाना चाह रहा है राहुल वैद्य के साथ मिलकर, और वो एजाज को भी कन्विंस कर रहा है कि वो हमारे ग्रुप में आए, लेकिन एजाज ने बिल्कुल मना कर दिया और ये कहा कि उसको निकी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कब वो अपना पासा पलट दे और पलड़ा पलट दे, वो क्यों शिफ्ट कर जाती है बहुत जल्द, तो उनकी गेम जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। अब जितना मर्जी सोच दे, अगर निकी तो बोली ये चीज नहीं करती है तो हो सकता है बिग बॉस के जो क्रिएटिव्स हैं वो ऐसा गेम ला दें और बीच में दो टीमें अलग अलग बन जाती हैं। उस टीम में अगर निकी हमारे साथ नहीं हुई तो कभी भी फ्लिप मार सकती है। तो ये असहमति जताते हुए ऐसा लग रहा है कि अब घर में जो कि राहुल वैद्य और अली कोहनी का एक सपना था कि घर में पुराने लोगों को मिला के एक टीम बना ली जाएगी, तो वो टीम अभी फॉर्म होती हुई नजर नहीं आ रही है और आगे जाकर होगी भी नहीं, क्योंकि नए लोग जो आए हैं चैलेंजर वो इतने अच्छे से घुल मिल गए हैं कि टीम बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एजाज का ये डर कहीं ना कहीं सही है और अली कोहनी भी इसमें सहमति जताते हुए नजर आए। इसके अलावा घर में हुआ अर्शी खान और विकास गुप्ता का फिर से झगड़ा, और ये झगड़ा आपको बड़ी ही छोटी सी बात के ऊपर इतना बड़ा बवाल अगर किया है तो इस बार गलती जो मैं कहूंगा मेरे हिसाब से, अगर मैं देख रहा हूं शो को, तो वो विकास गुप्ता की है। कोई बड़ी बात नहीं थी, अर्शी ने आपकी तीर की शीशी वापस की, उसके ऊपर इतना बड़ा बवाल जो किया, तो ये सीधा सा एक वो होता है कि मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे फुटेज चाहिए। तो विकास सिर्फ और सिर्फ वो फुटेज के लिए कर रहा था। उसने अर्शी के साथ ऐसा बना के रखा हुआ है जब से वापस आया है कि अर्शी कुछ भी करे वो बवाल करेगा ही करेगा। हालांकि उसने उसकी माँ का नाम नहीं लिया था, उसने बोला था तेरी माँ की एक गाली जैसा साउंड करने वाला उसने आगे स्टॉप कर दिया था, तो तुम माँ पर गई। जो वो ड्रामा उसने क्रिएट किया है कोई 10-15 मिनट तक, तो वो ड्रामा एक्चुअली मुझे लगा कहीं ना कहीं विकास गुप्ता सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश में वो चीज कर रहा था। हालांकि घर का वो कैप्टन है, कैप्टन होते हुए उसको रूल नहीं तोड़ने हैं, लेकिन घर के सब रूल वो तोड़ रहा है। माइक निकाल कर रख दे रहा है, दूसरों को भी माइक निकालने के लिए कह रहा है। हालांकि उसका इतना बड़ा कोई सीक्रेट ही नहीं है जिस सीक्रेट को वो भुनाने की कोशिश कर रहा है ऑडियंस की संपत्ति। और जैस्मिन वाकई ही सही बात कह रही थी अर्शी से कि वो अगर तुम उसको हल्का सा भी प्रोवोक करती हो तो उसकी तरफ से बहुत ज्यादा रिएक्शन आता है और उस रिएक्शन की वजह से पूरे घर का माहौल खराब होता है और वो ऑडियंस की संपत्ति लेने में कामयाब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं अर्शी को भी समझनी पड़ेगी, लेकिन अर्शी इसमें क्या समझे, या तो वो उससे बात करना ही बंद कर दे तब भी वो उसके आसपास घूमता जाएगा, उसकी बातों में रिएक्ट करेगा, बिकॉज विकास गुप्ता एक ऐसी चीज है जिसको आप दूध का धुला हुआ नहीं बोल सकते, और विकास गुप्ता वाकई ही वो पर्सनैलिटी है जो अर्शी बयान करती है। मैं इसमें अर्शी का साथ नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि विकास गुप्ता सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करता है। शो का पूरा जो फुटेज होता है, ध्यान होता है, वो अपने ऊपर केंद्रित करने की कोशिश करता है। जब से वो शो में है तब से ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन अर्शी यहां पे थोड़ी सी बुखला भी गई थी कि ये क्या हुआ, इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना बड़ा उसने इशू क्रिएट कर दिया। खैर, इस चीज को हम यही छोड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद विकास गुप्ता निकी के पीछे मुझे हाथ धोके पड़े हुए नजर आए, वो जान वाली हरकतें करते हुए नजर आए इस बुढ़ापे की एज में। अब मैं किसी की एज के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन विकास गुप्ता के ऊपर वो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया है ऐसे। निकी तंबोली उसकी बेटी की उम्र की है, अगर उसकी शादी हो जाती टाइम पे तो निकी तंबोली जैसे उसकी बेटी होती, और उसके साथ वो ऐसी हरकतें कर रहा है। एक तो मुझे पता है विकास गुप्ता है क्या और उसके ऊपर ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाह रहा हूं 75% ऑडियंस वो समझ चुकी होगी कि विकास गुप्ता कैसे हैं और क्या वो निकी तंबोली
के साथ ऐसी हरकतें करते हुए आपको अच्छे लगते हैं तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। और आपको भी अगर लगता है कि आप मेरी बातों के साथ सहमत हैं, आप भी मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर ये बता सकते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं नॉमिनेशन टास्क की। नॉमिनेशन टास्क हुआ जिसमें कि एक-एक घर वालों को बुला के सीक्रेट रूम में, कन्वेशन रूम में बुला के बताना था कि किन दो लोगों को सेव करना है। तो सबसे पहले निकी तंबोली को बुलाया गया और निकी तंबोली ने दो लोगों को सेव किया जिसमें से राहुल वैद्य और रुवीना दो उसके पसंदीदा दोस्त थे जिनको उन्होंने सेव किया। और उसके बाद बिग बॉस ने उनको एक वार्निंग दी कि बाहर जाके जो भी नॉमिनेशन रूम में हुआ है बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, ना ही इशारों में बात करनी है। लेकिन निकी तंबोली से रहा नहीं गया। जैसे ही निकी तंबोली बाहर आई, अलीगोनी ने ये पूछा कि सेव करने की प्रक्रिया हो रही है ना। निकी तंबोली ने सर हाँ मैं हिला दिया। उस टाइम पे निकी तंबोली के पास कोई चारा नहीं था, शाह जा तो वो बोलती ही ना, सर भी ना हिलाती। और पता नहीं क्यों ये एक्चुअली रूल उससे टूट गया और मुझे लगा कि इसमें इक्वल ही गलती है, बट निकी तंबोली की ज्यादा गलती है क्योंकि उसको वार्निंग मिला था कि इशारों में भी बात नहीं करना है। तो फिर भी सब घर वालों ने एक एक करके नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरा किया और नॉमिनेट हुए घर में सबसे पहले जैस्मिन, जिसको एक वोट सिर्फ अलीगोनी का मिला, अर्शी जिसको भी एक वोट मिला, और सोनाली जिसको एक वोट एजाज का मिला, और राहुल महाजन वो भी नॉमिनेट हो गए, और साथ में साथ राखी, यानी ये पांच लोग जो हैं नॉमिनेट हुए। राखी को एक भी वोट नहीं मिला। यानी सोचिए घर में राखी सावंत को कोई भी बचाना नहीं चाहता था। राखी सावंत इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट है, उसको कोई बचाना नहीं चाहता था, सेव नहीं करना चाहता था, हालांकि सबके साथ उसके रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो ये चीज काफी इंटरटेनिंग भी है और काफी उदासी वाली भी है कि देखिए सबसे अच्छे रिलेशन बनाने के बावजूद भी आपको कोई कंसर्न ही नहीं कर रहा सेफ जोन में डालने के लिए, क्योंकि बिग बॉस ने ये जो सीक्रेट रूम में बुलाकर नॉमिनेशन करवाई, ये नॉमिनेशन एक्चुअली ऐसे थे कि आपको अपने कॉम्पिटिटर का नाम लेना है, ना कि अपने चाहने वालों को सेव करना है। तो यहाँ पे सब लोगों को उन कंपटीशन वालों लोगों का नाम लेना था जिनसे उनको कंपटीशन लगता है। राहुल वैद्य को एक्चुअली सेव करना चाहिए था ऐसे लोगों को जिससे कि रुवीना और अभिनव और जैस्मीन और अली और एजाज नॉमिनेशन में जाते। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ सब लोगों को अपने कॉम्पिटिटर को सेव नहीं करना था। मीन अपने कॉम्पिटिटर को ही लोगों ने सेव कर लिया और बाकी कमजोर लोगों को सबको इन्होंने अनसेव कर दिया, मैंने नॉमिनेशन में डाल दिया। तो यही कहीं मुझे लग रहा है बिग बॉस को चीज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो लोग नॉमिनेट थे वो ऑलरेडी न्यू कमर्स हैं, जिसमें से जैस्मिन ही एक ऐसी लड़की है जो कि शुरू से खेल रही है और उसकी वोट जो फॉलोइंग्स है काफी अच्छी है। तो मुझे लगा सोनाली को तो अभी 5 दिन भी नहीं हुए बेचारी, वो पहले हफ्ते में ही बाहर चली जाएगी। तो इस वजह से बिग बॉस ने वो एक छोटा सा मुद्दे को उठा के निकी तंबोली ने जो गलती की थी, बाहर आके इशारा कर दिया था, नॉमिनेशन बता दिया था, उस चीज को उठा के निकी तंबोली और अली को सबक सिखाने के लिए पूरे घर को नॉमिनेट कर दिया। और ये अब पूरा घर नॉमिनेट है जिस सिवाय विकास गुप्ता को छोड़ के। तो इसके अलावा निकी और अली को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये हो क्या गया है। और इसके ऊपर भी घर वाले जो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और निकी और जैस्मिन का मजाक तो थम ही नहीं रहा था। तो इसके ऊपर भी बिग बॉस ने दोबारा डांट लगा दी कि नॉमिनेशन को इतने गलत ढंग से खेलने के बावजूद भी आप घर का रूल तोड़ रहे हैं और घर के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि राखी सावंत इससे बहुत ज्यादा भड़की हुई थी और घर में हमने देखा कि राखी का साथ किसी ने नहीं दिया। बाद में खुलकर नॉमिनेशन रूम में क्या किया हुआ, एक दूसरे ने पे सबने ब्लेम लगाना शुरू कर दिए। राहुल महाजन को किसी ने नहीं सेव किया, राखी सावंत को अर्शी ने सेव क्यों नहीं किया, रुवीना ने सेव क्यों नहीं किया, अभिनव ने सेव क्यों नहीं किया, ये सारी बातें चल रही थी जो कि राहुल वैद्य भी उठा रहा था। तो मुझे लगा कि ये तो अब कुछ और ही इनका चल पड़ा है। इसके अलावा हमने देखा कि सोनाली को भी थोड़ा सा हर्ट हुआ, बिकॉज उसको एक हफ्ता ही हुआ है, उसने सबसे प्रोमिसेस किए हुए थे, अली और राहुल दोनों ने बहुत ज्यादा उनको भी अपने पक्ष में रखा हुआ था, उन्होंने कैप्टन बनाने के लिए
जी जान से कोशिश की थी, राखी ने भी जी जान से कोशिश की थी, और उन लोगों ने भी उनका नाम नहीं लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा गेम घूमा और मुझे लगा कि यहाँ पे सोनाली को भी थोड़ा सा बन जाना चाहिए। अब सोनाली जो है अपना एक अलग रूप में आना शुरू हो गई है, जो कि शो के लास्ट में हमें दिख रहा था कि उसने निकी तंबोली के साथ जिस तरीके से बात करना शुरू की और जिस तरीके से वो उसकी चीजों के लिए उसको टोक रही थी, वो वाकई ही ऐसा लग रहा था कि सोनाली आगे जाकर एक दो दिन में ही वो खुल के सामने आने वाली है। अब वो नॉमिनेट है, नॉमिनेट अगर अब भी कुछ नहीं करेगी तो शायद वो बहुत जल्द शो से बाहर चली जाएगी। तो मुझे लगता है उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो वाकई ही सोनाली का सबसे वीक पॉइंट होगा और शो से बाहर वो इस हफ्ते चली जाएगी। लेट्स सी कल क्या होता है, कौन सी टीमें बनती हैं। लग्जरी टास्क तो राहुल वैद्य की टीम जीत चुकी है, लेकिन राखी सावंत के हाथ में फिर भी कुछ नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि टीम में होने के बावजूद भी सब लोग अपना अपना बांट के भाग गए थे, तो जो कि उसको हर्ट किया। अब देखना ये रहेगा कि ये हर्ट उसको कहां तक बचा के रखता है, कल वो इस हर्ट का बदला लेगी या नहीं लेगी। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।